गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एट का चैप्टर है आपका। आज चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर नेम है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये चैप्टर है आपका, पर इसमें जो आपकी एक्सरसाइज है 10.1, इसमें जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले समझने होंगे कि क्या होता है। तो आज मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले चीज़ होती है पी को रिनोट करते हैं हम। पी फॉर होता है प्रिंसिपल, ओके। प्रिंसिपल जिसको हिंदी में बोल लेंगे हम मूलधन बोल लीजिए आप, ठीक है। मूलधन यानी कि जो धन हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, ओके। नेक्स्ट चीज होती है हमारा आर, इसको बोलते हैं रेट। रेट मीन्स होता है दर। दर से मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति से हम कितनी दर पर यानी कि कितने परसेंट रेट पर उस मनी को लैंड कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, या बोरो कर रहे हैं किस परसेंट पे, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी, जैसे कि सपोज दैट आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए और उससे बोला कि मैं आपको नेक्स्ट मंथ में 10%, मतलब जो 100 रुपये आपने लैंड किए हैं उससे बोरो किए हैं उसका 10% रेट से वो आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो नेक्स्ट मंथ वो आपको कितना देगा, 100 रुपीज आपने लिए थे वो हो गए आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। और फिर जब उसने बोला है कि वो आपको 10% का इंटरेस्ट देगा, यानी कि यहाँ पे रेट परसेंट यानी कि जो इंटरेस्ट रेट हो गई हमारी, आज कितना हो गया हमारा 10% हो गया, ऐसे समझिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका टाइम, टी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम, ओके। टाइम यानी कि कोई भी मनी कितने टाइम के लिए लैंड या बोर्ड किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको यहाँ टी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका ए, ए को बोलते हैं हम लोग अमाउंट, क्या बोलते हैं अमाउंट, अमाउंट ऐसे समझिए जैसे आपसे किसी ने उधार लिए थे 100 रुपये, उसने बोलता है 10% रेट से आपको नेक्स्ट मंथ में मैं दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ वो आपको कितना रुपया वापस करेगा, यानी कि 100 तो थे, 100 का 10% और देगा, वो 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपीज़ हो गया, यानी कि टोटल मनी आपका हो गया 110 रुपीज़। तो जो 110 रुपीज़ वो आपको देगा वापस, तो उसको बोलते हैं हम अमाउंट, क्या बोलते हैं अमाउंट। तो अमाउंट में क्या शामिल होता है हमारा, एक तो जो प्रिंसिपल होता है हमारा मूलधन जो उसने दिया है या हमने उसको दिया था वो शामिल होगा, ठीक है। दूसरा क्या शामिल होता है हमारा, जो उसकी ब्याज यानी कि जो इंटरेस्ट हुई है हमारी जितने भी रेट से, ठीक है, उस इंटरेस्ट को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है, तब वो हमारा क्या बच जाता है, अमाउंट बन जाता है, ठीक है। यानी कि हम प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट में इसको नोट करते हैं एस आई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं मूलधन, इनटू रेट यानी कि दर, इनटू टाइम यानी कि समय, अपॉन 100, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट में आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं आप लर्न करने के लिए पी आर टी अपॉन 100, ये आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। इंटरेस्ट भी आपकी दो प्रकार की होती है, सिंपल इंटरेस्ट अलग होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग होता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो आपका क्वेश्चन है इसमें, तो ये सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड है, तो इसमें अभी सबसे पहले तो आप सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला देख लीजिए कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, नोट भी कर लिया होगा आपने। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें हमको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है, ओके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका
इसका ए बी और सी जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो डी वाला है वो मैं कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो डी वाला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट का डी, इसमें आपको प्रिंसिपल दिया गया है ₹64,000। प्रिंसिपल मैं सीधा पी लिखूंगा 64,000, प्रिंसिपल आपको दिया गया ₹64,000। रेट दिया गया है आपको 7.1/2% पर एनम, 7.1/2% पर एनम, पर एनम को बी एस लिख दिया। पर एनम का मतलब होता है कि वार्षिक, यानी कि एक साल की ब्याज दर है ईयरली, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करके लिख देंगे 7.1/15/2% पर एनम, ओके। टाइम दिया है हमको 2 ईयर्स, यानी कि हमारा टाइम है यहाँ पे 2 ईयर्स। आपको निकालना क्या है? एसआई निकालना है, एसआई का फॉर्मूला PRT/100, ठीक है। सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है, तो पी कितना है हमारा 64,000, पी की जगह 64,000 लगा देना है, रख देना है वैल्यूज का। रेट कितना हमारा 15/2, तो 15 तो ऊपर जाएगा, अपॉन 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और टी कितना है हमारा 2 ईयर्स और यहाँ पे 200, ओके। बस ये आपका इक्वेशन बन गया है, इसको सोल्व कर देना है आप लोगों को, ठीक है। 00 से 00 कट कर दीजिए और 2 से 2 कट कर दीजिए, ठीक है। सिंपली आपका कितना आ जाएगा 15 और 640 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 09600 9600। ये क्या आ गया आपका? ऐसा ही आ गया, ठीक है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ गया, यानी कि आप ₹64,000 7.1/2% एनम की रेट से अगर किसी को 2 साल के लिए उधार देते हैं, तो वो आपको 2 साल के बाद कितने, मतलब 2 साल के बाद जो आपकी ब्याज हो जाएगी उसके ऊपर कितनी हो जाएगी, यानी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 9600। और सपोज दैट अमाउंट निकालना है आपको, सपोज दैट ये निकालना ही है यहाँ पे, ठीक है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? जितना हमारा प्रिंसिपल था 64,000 है, ठीक है, उसमें हम इंटरेस्ट को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट को ऐड करके ही वो आपको रुपये क्या करेगा, वापस करेगा। तो 00, ओके, यहाँ से 606 और 9 4 33 कैरी 1, तो यहाँ पे 7 आ जाए, यानी कि ₹17,600 वो आपको 2 ईयर्स बाद वापस करेगा, लौट आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी है, समझ में आ गई होगी। अब ये फर्स्ट वाला का जो क्वेश्चन था आपका, इसका डी वाला मैंने करा दिया है आपको, और ए बी सी आपको बने हैं ठीक इसी प्रकार से करने हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड वाला क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 पर 2 ईयर्स एट 8% पर एनम, ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट CI, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ये लिखा हुआ है, चैप्टर नेम भी है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। तो कंपाउंड INTEREST, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अमाउंट को निकालना होता है, पहले हमको क्या निकालना होता है, अमाउंट को, अमाउंट को निकालने का फॉर्मूला होता है A=P1+R/100(n). अब ये भी समझ लो, ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाता है, पी प्रिंसिपल हो जाता है, रेट हो जाती है, एन यहाँ पे क्या डिनोट करती है हमारा, टाइम डिनोट करती है, एन से क्या डिनोट करते हैं, टाइम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले भी अलग अलग होते हैं, ईयरली के लिए अलग होता है, क्वार्टरली के लिए अलग होता है, और हाफ ईयरली के लिए अलग होता है। अभी आपका पर एनम का ईयरली का पूछ रहा है ये सेकंड वाला क्वेश्चन, तो हम उसी हिसाब से करेंगे। अभी आपको ईयरली वाला ध्यान रखना है, ये जो आपके पास है, ठीक है, लिखा हुआ सामने। तो इसमें ₹6,000 यानी कि पी आपको कितना दिया है, पी दिया है ₹6,000, ध्यान रखना, ये सेकंड वाला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ओके। टाइम 2 ईयर्स है, टी है हमारा, यानी कि यहाँ पे एन मान लेंगे, 2 ईयर्स दिया गया है, ठीक है। और जो आर यानी कि रेट है हमारी, वो क्या है, 8% पर एनम दी गई है आपको, कितनी दी गई है, 8% पर एनम। चलो फॉर्मूले लगाते हैं इसको,
फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू हमारा ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये तो निकाल लेंगे इनको, पी हमारा कितना दिया है 6000, वन प्लस आर हमारा कितना है एट अपॉन हंड्रेड की पावर एन, एन कितना है हमारा टू, ओके। इसको नेक्स्ट यहां से करेंगे तो देखिए 2 4 8 2 5 10 यानी कि 4/50 हो गया, काट देंगे 2 2 4 और ये 25 टाइम्स कर गया, तो 26000 पहले वैसे लिख दीजिए आप, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, 2 और 25 और 2 ऐड करेंगे तो 27/25, ठीक है। आगे करेंगे 6000 वैसे ही नोट रहने देंगे, इंटू 27/25 × 27/25 पावर 2 थी इसलिए हमने इसको तोड़ के दो बार लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6000, इसको 6000 नहीं लिखेंगे अभी यहाँ, इसको हटा दो जरा, क्यों, क्योंकि यहाँ से अभी 25 इसको हमको सीधा कट कर देना, कट हो जाएगा 25 2 50 बचा 10 25 100 ये हो गया, ठीक है। अब बचा हमारा फिर 5 से कट करो, 5 5 4 25 5 4 20 5 8 40, अब हुआ गया हमारा 48 × 27 × 27/5, ओके। 5 से फिर कट कर दो इसको, 5 9 45 बचा कितना हमारा 3, पॉइंट लगा के 0 लगा के 5 6 30, तो 9.6 × 27 × 27 इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा अमाउंट। देखिए इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा अमाउंट, क्या निकल के आ जाएगा अमाउंट। फिर आपको क्या निकालना है सी आई, क्या निकालना है सी आई, तो सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, सी आई इज इक्वल टू होता है ए माइनस पी, ओके। जो अमाउंट आपका निकल के आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, पी कितना दिया था हमारा 6000, ठीक है। तो अमाउंट में से 6000 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे सी आई निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको कैलकुलेट खुद कर लेना है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, इस सम ऑफ रुपी 8000 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब 8000 रुपए थे, 2 साल के लिए 10% पर एनम की दर से किसी चीज में इन्वेस्ट किए गए, ठीक है। तो इसमें आपके लगभग 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कैसे करना है आपको बता दे रहा हूँ, और ना आ रहा है आपको फिर भी तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हर वाला क्वेश्चन है आपका, यहां पे दिया है पी जो दिया है हमारा पी 8000 दिया है, ओके। 2 years एन इज इक्वल टू दिया है 2 years, आर दिया है 10% पर एन, आर इज इक्वल टू 10% पर एन, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, ये है आपका इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहां से अमाउंट निकाल लेना, ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड की पावर एन, फॉर्मूला लगा के यहां से आप अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट निकल के आ जाएगा, चलो निकाल के देखते हैं, इज इक्वल टू ये ए वाला है, पी है हमारा 8000, वन प्लस आर है हमारा 10/100 की पावर 2, ये हो जाएगा 8000, 0 0 बच कट जाएगा आपका, 10 10 और 11/10 हो जाएगा, पावर 2 है तो यहाँ पे 2 बार लिख लेंगे इसको आराम से, 0 से 0 0 से 0 कट गया, ये आ गया आपका 11 11 और 80 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 80 × 11 11 कितना हो जाएगा 121, इसका मल्टीप्लाई आगे आप करोगे तो वेट बन जाएगी 81 16 9680, ये क्या आ गया आपका अमाउंट आ गया। यहाँ से इंटरेस्ट निकालना है तो सी आई इज इक्वल टू निकालोगे ए माइनस पी इज इक्वल टू 9680 माइनस पी कितना है हमारा 8000, यानी कि
1680, ये क्या आ गया हमारा इंटरेस्ट आ गया। देखिए वो क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया था वो थोड़ा गलत हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हमें इंटरेस्ट बतानी फर्स्ट ईयर में, तो हमें टाइम यहाँ पे 2 ईयर्स नहीं लेना है, ओनली 1 ईयर लेना है। ओके, तो ये देख लीजिए आप 8001 प्लस आ रहा है हमारा 10/100 की पावर 8 को 1 ही रखना है यहाँ पे। ओके, तो ये हो जाएगा 8000 × 11/10, 0 से 0 कट कर दीजिए तो 8800 आ गया आपका। ओके, क्या आ गया? ये अमाउंट आ गया। अब प्रिंसिपल निकालना है आपको तो सी आई निकालना है आपको तो सी आई कैसे निकालेंगे? सी आई इक्वल टू होता है ए माइनस पी, ठीक है ना। तो अमाउंट कितना है हमारा 8800, प्रिंसिपल कितना था 8000, तो ये कितना आ जाएगा हमारा ₹800। ये क्या आ जाएगा इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है। वो बाई मिस्टेक 2 ईयर्स का लगा दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जब पढ़ा तब समझ में आया कि इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकालना है, ठीक है। अब आपको यहाँ मैं समझाता जा रहा हूँ, जैसे ही बी है आपका प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। अब देखिए जो आपका अमाउंट है, अमाउंट जो निकल के आया है फर्स्ट ईयर का, वही सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो ये 8800, यानी कि बी वाले का आंसर आप कर देंगे 8800, ये आंसर आपको लेना है बी वाले 8800। जो सेकंड ईयर का आपका जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकल के आया है वो सेकंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर। अब आपके सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना है तो देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पे पी हो जाएगा, ये पी कितना हो जाएगा 8800 हो जाएगा, ठीक है, और आर आपका रहेगा 10% पर एनम ही रहेगा, 10% पर एनम रहेगा, और एन भी आपको यहाँ पे केवल सेकंड ईयर के लिए निकालना है तो एन भी आपको यहाँ पे 1 ईयर रखना है यहाँ पे, यानी कि पावर जो लगा दी है पे वो 1 ही लगानी है, और यही फॉर्मूला लगा के आपको सी आई निकाल लेना है, ठीक है। यही फॉर्मूला लगा के आप सी आई निकाल लोगे तो ये आपका थर्ड वाला भी हो जाएगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ठीक है, ये निकाल लोगे आप। कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर्स, फिर क्या है इसकी सी आई निकल के आ जाएगी और इसकी सी आई निकल के आएगी, ये दोनों सी आई को ऐड कर दोगे आप तो ये आपका ई वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताइए, मतलब क्वेश्चन उसमें जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चन आप बताइए कि इस क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये वीडियो है इसको लाइक कीजिए, चैनल आपके स्कूल का ही है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, थैंक यू।